ताकि कहीं प्रॉब्लम भी ना आए इमिग्रेशन वगैरह बीट ये तो यूएस से दूर जा रहा है हाँ। अब निकारागुआ में ऑलरेडी इतनी इलीगल इमिग्रेशन होती है तो उन्होंने क्या करा मैं पहुंचा वहाँ पे हॉन्डूरस कंट्री से उस दिन गलती मैंने नहीं करी मैं ना लेट चला वो शाम के छः सात बजे मैं निकारागुआ गुआ पहुँचा बॉडर पर हॉन्डूरस से मैंने एग्जिट स्टैम्प लगवाई बॉर्डर क्रॉस करके अंधेरा होगा निकारागुआ में आ गया निकारागुआ के इमिग्रेशन ऑफिस इंडियन तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरा बाकी ग्रुप कहाँ है क्या करना है मैं बोला घूमना है बोला हो ही नहीं सकता तो घूमना है अकेला है तू मैं बोला हाँ अकेला हूँ बोले नहीं तू तो अमरीका जाने गया जाने के, के लिए देखो मैं तो अमरीका रहा, का वीजा रहा। मानने नहीं भाई उन्होंने मेरे को कमरे में बिठाया इंटरोगेशन करी मैंने बताया नहीं कि मैं यूट्यूबर पर हूँ फिर तो बिल्कुल ही नहीं घुसने देता क्योंकि निकारा हुआ हमें एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप ही है जो उनका है ना मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला हुआ है तो उस दिखाते दिखाते हैं हैं को बुरा हमेशा और मतलब उधर कैमराज भी अलाउड नहीं है उस देश में गोप्रो भी नहीं लेके जा सकते आप रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है कैमरा अलाउड नहीं है मतलब इतने वियड रूल्स है उसके hmm. गुस्सा मेरी एक दो घंटे उन्होंने बढ़िया क्लासे ली इंटेरोगेशन करी मिनिस्ट्री में फ़ोन करे कि ऐसे, ऐसे इंडियन आया बैग उठा के बोले इंडियन घूमने तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे कौन घूमता है ऐसे हमारे देश में क्या जो यहाँ आया या तो इसका कोई वो है बिजनेस है जिससे इलीगली डंकी मरवाते है लोगों को कोई ये चेन ऑपरेट करता है इसलिए hmm. आया होगा या ये कोई वो है आ, एजेंट है बोले इसमें से कोई ये चीज़ है तो बोले कि तेरे को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी हमारी मिनिस्ट्री से ऐसे नहीं घुसने देंगे हम तेरे को और जो उनका ऑनलाइन एक पोर्टल है परमिशन लेने के लिए जब आप वो फॉर्म भरते हो ना उनकी मिनिस्ट्री से परमिशन लेने के लिए तो जैसे ही आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट करते हो उसमें एक पॉपअप आता है वो बोलता है कि भी कॉन्टैक्ट दी हम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते कोई परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते और रात हो चुकी है रात हो चुकी है नौ बज गए नौ दस बज गए बोले हम नहीं घुसारे वापस जा अब भाई मेरे पास हॉन्डोरस की मैंने करेंसी सारी खर्च दी थी क्योंकि अगले देश में जाना था और उधर मोबाइल के सिग्नल आने बंद हो गए बॉर्डर के बीच में मेरे पास कुछ खाने का नहीं था मेरे पास पानी नहीं था और वो एरिया भी थोड़ा ऐसा ही है, है कार्टिल्स वगैरह वहाँ पे गैंग मेंबर्स है तो मैंने सोचा भाई फंस गया उन्होंने मेरे को और वो साफ बोल रहे हैं कि भी मैं बोला क्यों नहीं घुस दे रहे बोले क्योंकि तू इंडियन है मतलब बहुत बुरी तरह उन्होंने मेरे को ट्रीट करा मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और मैं आके अब मैं फंस गया दोनों देशों के बीच में हॉन्डूरा साहब वापिस उनकी वाले ऑफिसर जाने लग रहे थे आठ नौ बजे ताला लगा रहे थे मैं बोला रुको रुको उन्होंने मेरे को भेज दिया वापस प्लीज़ मेरे को एंट्री दे दो आपकी उसमें बोले दे देंगे पर जाएगा कहाँ रात को आसपास कोई होटल नहीं है ना कुछ है क्या करेगा मैं बोला आप ही बताओ क्या करेंगे वो बोले कि भी यहीं सो जियो ऑफिस के बाहर मैं बोला ठीक है भैया हाँ तो उन्होंने वो मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प मार दी वो फिर भी अच्छे थे उन्होंने मेरे को देश में एंट्री दे दी अब मेरे पास ना पैसे ना मेरे मोबाइल में सिग्नल ना वहाँ पे एटीएम ना वहाँ पे कोई भी होटल दूर दूर तक दो तीन लोग आए तो वो बोले कि भी यहाँ क्या कर रहे हैं तो अब वो इमिग्रेशन ऑफिस जो था ना एक छोटे से कमरे को तो उन्होंने ताला लगा दिया जिधर उनका कंप्यूटर वगैरह था मेन गेट उसका खुला था कोई ताला वगैरह कुछ नहीं था बाहर से कोई अंदर आओ कोई जाओ और बाहर अजीब तरह के लोग थे तो मेरे को बोला एक कार्टल वाले आएंगे इधर को लूट लेंगे रात को तेरे बैग वैग सब जाएगा अब मैं सारी रात इस टेंशन में भाई अब मैं लूटूंगा अब मैं लूटूंगा अकेला था अकेला था कोई भी नहीं भाई पूरी बॉर्डर बॉर्डर कंट्रोल पे अकेला है कोई भी नहीं है कोई पुलिस वाला नहीं है कोई फौजी नहीं है कोई ताला नहीं है जमीन पे मैं सोने लग रहा हूँ बॉर्डर कंट्रोल पे कोई लेना देना नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं कोई भी आदमी अजीब अजीब तरह के आदमी आ रहे हैं मेरे को यूँ घूर रहे हैं फिर इशारे कर रहे हैं बाहर जा रहे, रहे। है पूरा ऐसे हो रहा है एक लड़का मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है वीडियो डाल ये शहर के अंदर हो रहा है या किसी नहीं ये भाई कुछ भी नहीं है वो गाँव भी नहीं है बेसिकली एक यूँ मान लो डेजर्ट से है डेजर्ट तो नहीं है खैर उधर खेत टाइप मान लो जंगल टाइप उसके बीच में एक इमिग्रेशन ऑफिस है बस ही उधर होने लग रहा है और आगे उनकी बॉर्डर है एक किलोमीटर आगे और उस, उनकी बॉर्डर से किलोमीटर इधर है जो सबसे बड़ा शहर है चाहे चाहे उस देश में जाओ, इस देश में में जाओ जाओ इस वो एक घंटा दूर है तो कुछ भी नहीं कर सकते फर्स्ट चुका हूँ मैं मेरे को तो यूँ था मैं मरू आज एक दो फिर एक लड़का है उसने ना मेरे को पानी की बोतल दी वो मेरे को लग रहा था जैसे पता नहीं भगवान ने वो वरदान के तौर पर भेजा उसे मैंने वो पानी पिया खाने का मेरे पास अब भी कुछ नहीं तो मैंने बताया भाई मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ इधर मैं फंसा हूँ बॉर्डर पर इंटरनेट था नहीं जो मैं उसी टाइम वीडियो डाल दूँ कि भी अपने इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन लिया कुछ करे पर मैंने सोचा कि भी नहीं एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो करता हूँ सारी जो भी चीज़ होने लग रही है वो मैंने रिकॉर्ड करी वहाँ पे मैं रहा मेरा दिल घबरा रहा है वहाँ पे मैं मानता हूँ कि 99 परसेंट लोग उस सिचुएशन में होते उतना उनके हार्ट अटैक आ जाता मेरी भी इतनी हालत टाइट थी भाई वहाँ पर बस या तो आपके साथ कुछ हो ही जाए एक वो फीलिंग है ना अब होएगा अब कोई आएगा अब कोई मारेगा अब कोई लुटेगा पूरी रात उस फीलिंग के साथ बिताना बहुत मुश्किल था भाई तो मैंने खुद को बिजी रखने के लिए क्या किया मैंने सोचा ऐसे तो मेरे हार्ट अटैक ही आ जाए मैं पुशअप्स करता हूँ तो फिर मैं पुशअप करता रहा पुशअप करके मैं रुक गया मेरा दिमाग उसमें डाइवर्ट होता है फिर मैं दोबारा मैं पूरी रात पता नहीं मैंने कितने पुशअप करे बार बार पुशअप करे गया मैं किसी तरह भाई सुबह चांदना से आया सुबह छः बजे थोड़ी रोशनी हुई और भाई फिर मेरे को थोड़ा जोश आया फिर मैं चला वापस मैंने सोचा अब होंड्यूरस साइड जो भी बड़ा शहर है उधर पहुँचता हूँ अब मेरे को कोई टैक्सी वाला ना बिठाए टैक्सी में क्योंकि अभी तक मैं नॉर्थ से साउथ आ रहा था अब मैं वापस नॉर्थ जा रहा हूँ क्योंकि साउथ वाले देश ने मेरे को एंट्री नहीं दी तो मुझे नॉर्थ वापस बड़ी सिटी में जाना है और वही रूट है इलीगली डंकी मारने का नॉर्थ अमेरिका की तरफ तो हर रिक्शा वाला टैक्सी वाला बस वाला ले इंडियन है तेरे को तो बिठाएंगे नहीं तू तो, तो अमेरिका जा रहे डंकी मारने मैं बोला मेरे को एंट्री नहीं दी है मेरा अमेरिकी वीज़ा बिठा लो जो भी है उस शहर में पहुंच के एटीएम से निकलो आके पैसे दे दूंगा पैसे नहीं बोले ना, ना 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 तो डंकी मारे गए पुलिस वाले हमें पकड़ते हैं है, हमें दिक्कत करते हैं कोई मुझे ना बिठाई इतना मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुई मेरे साथ उस दिन इतना बुरा फील हुआ मतलब दो दिन एकदम ऐसे परेशान हुआ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके किसी तरह फिर ना मेरे एक बस जानी थी सुबह सात बजे उनके उस शहर का नाम मैं भूल गया हंडूरस में एक शहर था उस शहर में बस जानी थी सात बजे चलनी थी सुबह और उसकी टिकट थी पता नहीं चालीस हॉन्ड्यूरन लिम्पेरा या कुछ ऐसे उनकी करेंसी में थी मैं सोविनियर कलेक्ट करता हूँ और देश में मेरे पास पैसे खत्म आस पास कोई ए नहीं तो मैंने वो बैग वैग खोला मेरा सोविनियर वाला उसमें मेरे को पैसे मिले चालीस हॉन्ड्यूरन लिम्पेरा अब मेरे को नहीं पता उस बस की टिकट कितनी है मैं जाके मेरे को इधर से बाहर निकलना एक ही बस तो जानती उस बस में बैठ गया मैंने सोचा मेरे को उतारेंगे तो मैं उतरूंगा नहीं मैं धक्के से बैठ के जाऊंगा वरना तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे तो मैं उसमें बैठा रहा बैठा रहा बस चल पड़ी मेरी तरफ देख रहे हैं वो टीटी -टी, उसने मेरे को बिठा लिया उसने मेरे को क्वेश्चन भी नहीं करा कि भी क्यों जा रहा है मैं बोला टिकट दे दो उन उन बोले तो प्लीज फॉर उसने टिकट दी मैं मैंने पूछा क्वांटोस कितने की है हाँ कितने की है <laughs> <laughs> क्वांटोस पारा बोलेटो तो, फिर वो उधर से बोलता है 40 40 और मेरे पास 40 ही थे वो 40 मैंने 40 40 दे दिए